गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 5C. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राधिका लव्स चॉकलेट एंड शी इज लेफ्ट विथ 4/5 ऑफ हर चॉकलेट बार. राधिका को चॉकलेट बहुत पसंद है और उसके पास उसकी जो चॉकलेट बार है उसमें से 4/5 पार्ट्स चॉकलेट अभी बची हुई है. नाउ मालविका गेव 1/3 ऑफ अ सिमिलर बार टू राधिका. उसी सेम चॉकलेट में से, सेम साइज़ के चॉकलेट में से मालविका ने राधिका को 1/3 पार्ट्स और दे दिया है. सो हाउ मच चॉकलेट डस राधिका हैव नाउ. तो राधिका के पास अब टोटल कितनी चॉकलेट है. सो स्टूडेंट दिस इज़ योर वर्ड प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं. तो आपको भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है. स्टेटमेंट आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं. कुछ भी मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसी से रिलेटेड. जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ले रहे हैं राधिका के पास कितनी चॉकलेट्स है. सो राधिका हैव चॉकलेट. कितनी चॉकलेट्स है? 4/5 पार्ट्स. उसके बाद मालविका ने उसे कितनी चॉकलेट और दे दी. मालविका ने दिया चॉकलेट 1/3 पार्ट्स. तो राधिका के पास टोटल कितनी चॉकलेट अब बची है. तो टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 4/5 में 1/3 को ऐड कर देंगे. 4/5 प्लस 1/3. अब आप इसमें इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सप्लेन किया था. इसमें आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं. मैंने दोनों मेथड आपको बताया है. चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज़ कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ. तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस तरह से होता है. जिस टाइप से एरोज बने हैं हमें मल्टीप्लिकेशन उन्हीं नंबर्स में करना है. जैसे 4 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ एरो कहाँ जा रहा है, 3 की तरफ. तो 4 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. बीच में क्या साइन है, प्लस है. और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 5 के साथ. ओके, अब हमें डिनोमिनेटर्स में लिखना है. तो डिनोमिनेटर्स में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ करेंगे. तो 5 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ. ओके नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसको. 4 3 12, 5 3 15, प्लस 5 1 5, 3 5 15. दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए. तो डिनोमिनेटर्स को 1 टाइम और ऊपर जो नंबर है उन्हें एज इट इज़ प्लस कर देंगे. ओके नाउ 12 + 5 = 17/15. अब देखिए जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं. तो आप यहाँ डिवाइड करिए, 15 को 17 से डिवाइड कर दीजिए. तो हम किस तरह से करेंगे, इसका आंसर होगा, यहाँ देखिए 17 को 15 से हमने डिवाइड कर दिया, 15 1 15. ओके तो इसे हमें होल मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, जो हमारा क्वोशेंट है वो बनेगा हमारा होल और जो रिमाइंडर है वो बनेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है वही नंबर. सो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर आंसर. तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हाउ मच चॉकलेट डस राधिका हैव नाउ. सो राधिका हैव 1/2/15 चॉकलेट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है. ओके क्लास, थैंक यू.